नमस्कार दोस्तों, हाँ स्मॉल टेक में आपका स्वागत है। मेरा नाम सतीश है। मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा, हमने एक सीरीज़ शुरू की है स्टैंडर्ड पार्ट की। तो पिछली वीडियो में मैंने लोकेटिंग रिंग के बारे में आपको बताया था कि लोकेटिंग रिंग किस किस तरह के होते हैं, किस किस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं उनको, और क्या उनके प्रिंसिपल हैं डिज़ाइन करने के। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पिलर बुश के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है अकॉर्डिंग टू मोल्ड डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है के पिलर बुश कैसे डिज़ाइन करें। कई तरह के हम पिलर बुश डिज़ाइन करते हैं, कुछ एग्जांपल मैंने बनाए हैं आपके लिए। तो चलिए देखते हैं, उन एग्जांपलों को समझते हैं। ये हमारी वो शीट है जो हम कैरी कर रहे हैं इस सीरीज़ के लिए। तो उसमें से स्प्रू बुश और लोकेटिंग रिंग मैं आपको बता चुका हूँ। आज इसका पाँचवा भाग, गाइड पिलर एंड बुशेज टू मोल्ड एन ईवन वॉल कंपोनेंट, इट इज़ नेसेसरी टू इंश्योर दैट द कैविटी एंड कोर शुड बी कीप्ड इन प्रॉपर अलाइन। दिस इज अचीव्ड बाई प्रोवाइडिंग गाइड पिलर्स एंड बुशेज ऑन द मोल्ड प्लेट। द गाइड पिलर हैज इट इज वर्किंग डायामीटर सिमिलर दैन द फिटिंग डायामीटर। इफ द वर्किंग डायामीटर इज बेंट, इट कैन बी ईजिली रिमूव विदाउट डैमेज द फिटिंग होल। इसका मतलब ये है कि हमें मोल्ड को, कोर और कैविटी को अलाइन करने के लिए एक ऐसी ऐसे माध्यम की ज़रूरत है जो इंश्योर करे कि मोल्ड और कैविटी एक ही अलाइन में चलें। तो उसके लिए हम पिलर बुश यूज़ करते हैं। पिलर बुश में जो हम शोल्डर वाले पिलर बुश यूज़ करते हैं, उसके बारे में ये कहते हैं कि अगर वो टेढ़ा भी हो जाएगा, जो शोल्डर वाला पिलर बुश है, अगर वो टेढ़ा भी हो जाएगा तो वो प्लेट को डैमेज नहीं करेगा जिस प्लेट के अंदर वो फिट है। तो यानी जो अगर बैंड होगा भी तो वो सिर्फ वर्किंग वाला बैंड होगा। तो जो शोल्डर वाला है, सबसे ज़्यादा चलन में शोल्डर वाला यूज़ किया जाता है। तो पहला एग्जांपल मैं शोल्डर वाले ले लूँ, शोल्डर मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ ये। तो ये मेरा फर्स्ट है, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। शोल्डर लोकेटिंग मोल्ड पिलर सेंटरिंग कॉलर। इसमें सेंटरिंग कॉलर क्या है, यानी यहाँ से, इस एरिया से, यहाँ से, यहाँ पे कॉलर नहीं है इसके, इससे थोड़ा सा आगे है, तो हम इसको सेंटरिंग कॉलर बोलेंगे। यानी ये कॉलर जो है लास्ट छोर पे ना होके सेंटर में है, तो इसको सेंटरिंग कॉलर बोलते हैं। दूसरा जो एग्ज़ाम्पल है, शोल्डरिंग मोल्ड पिलर विदाउट सेंटरिंग होल, तो वो ये है। ये यहाँ पे इसके एंड पे जाके कॉलर है, पर ये विदाउट सेंटरिंग है। इससे आगे के एग्जांपल में है, सेम है, इसमें सिर्फ ऑयल गुरु, ये वाले ऑयल गुरु मैंने दिए हुए हैं, ये ऑयल गुरु हैं, ये लुब्रिकेंट के लिए काम आते हैं। इसके बाद ये भी ऑयल गुरु है, ये स्ट्रेट पिलर है, इसमें एंड में कॉलर है, ये एंड में कॉलर है, पिलर स्ट्रेट विद कॉलर एंड ऑयल गुरु, ये विदाउट ऑयल गुरु है। इसमें जो ये वाला जो साइज है, ये वाला जो साइज है, ये फिटिंग साइज है। ये किसी ने मेरा वीडियो देखा हो जिसमें मैंने कंप्लीट मोल्ड ड्राफ्टिंग सिखाई है, और उसमें मैंने पिलर बुश के बारे में काफ़ी बताया हुआ है कि H7G6 क्या है और कैसे कैसे हम डिज़ाइन में यूज़ कर रहे हैं और क्या क्या उसके साइज़ हैं। इसका चार्ट मैं आपसे आज शेयर करूँगा कि हम जैसे 20 का डाया है तो हम उसमें H7 में कितना डाया रखेंगे और G6 में कितना डाया रखेंगे। वो कुछ चार्ट है मेरे पास, अगर किसी को चाहिए वो चार्ट तो वो मेरे से कमेंट में अपनी मेल आईडी दे देगा तो मैं उसको भेज दूंगा। ये स्ट्रेट है, इसमें थ्रेड कटी हुई है अंदर से, ये थ्रेड है। तो इनमें से हर एक हम मोल्ड में डिज़ाइन कर सकते हैं, हर एक हम मोल्ड में लगाते हैं और चलाते भी हैं, पर ये देखने में थोड़े से अलग अलग लगते हैं, तो इनमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। जहाँ तक ये फर्स्ट एग्जांपल और सेकंड एग्जांपल है, सबसे ज़्यादा ये यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये रिलायबल होते हैं,
ज़्यादा चलते हैं और इसमें मोल्ड डैमेज होने की संभावना भी कम रहती है। जहाँ पे मुझे पिलर मैं यूज़ कर रहा हूँ उसकी पीछे वाली प्लेट को भी गाइड करना है, तो वहाँ पे मैं ये फर्स्ट जो कॉलर वाला है मेरा, मैं वो यूज़ करता हूँ। ऐसे ही ये बुश में है, ये सेंटरिंग कॉलर है, ये एंड कॉलर है, ये ब्रास के हैं, ये ब्रास के यूज होते हैं, थोड़े से महंगे पड़ते हैं पर ये बहुत कारगर होते हैं। बाहर से जो जो हम मोल्ड बनवाते हैं जैसे चाइना से या ताइवान से बनवाते हैं, तो वहाँ पे ये लोग यूज़ करते हैं, ये ऑयल ग्रूव इनमें दे रखे होते हैं, ऐसे ही सेम बाकियों में भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल है जो डिज़ाइन किया हुआ है, ये शोल्डर शोल्डर्ड मोल्ड पिलर विदाउट सेंटरिंग होल। विदाउट सेंटरिंग होल तो इसमें है नहीं, खैर तो ये एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल मेरा ये है जो शोल्डरिंग है और सेंटरिंग कॉलर है इसके अंदर, ये सेंटरिंग कॉलर जो हमने पिछली बार देखा था, पहले हम जो देख चुके हैं इसको, ये सेंटरिंग कॉलर है और ऐसे ही है इसमें सेंटरिंग कॉलर है। उस एग्जांपल से जो मैंने इसका एग्जांपल दिखाया है उससे थोड़ा सा ये अलग है। अलग इसलिए है कि मैंने इसमें है ना शोल्डर डाल दिया है, ये वाला जो है ना शोल्डर डाल दिया है। विदाउट शोल्डर हम जब बनाते हैं इसको, डिज़ाइन करते हैं, तो हमें बेनिफिट नहीं मिल पाता, स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती है। और अगर हमारा अगर पिलर टेढ़ा हो जाए ना तो वो पूरे उसको कोर प्लेट को या कैविटी प्लेट को डैमेज कर देता है अगर टेढ़ा हो जाए। इसमें क्या होगा, सिर्फ जो ये वाला हिस्सा है ये ही डैमेज होगा। अगर ये टेढ़ा हो जाएगा तो ये प्लेट को नुकसान नहीं करेगा जिस प्लेट में ये चल रहा है। ये इसका बुश है। तो कभी भी आप डिज़ाइन करें, अगर मोल्ड में आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप इस तरीके का डिज़ाइन कर सकते हैं। आपका जब कोर बड़ा होता है ना, कोर का साइज जब बड़ा होता है, जैसे देखिए इसका कोर का साइज बड़ा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका कोर का साइज है ना बड़ा है, तो मैंने क्या किया, इतना लंबा पिलर ना लेके ये इस साइज को छोटा करके यहाँ से बोल्टिंग कर दिया। इसमें एक्यूरेसी में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और बनाने में भी ये बहुत ईजी रहेगा और असेंबली में भी बहुत ईजी रहेगा। थर्ड जो एग्जांपल है वो ये एक थ्री प्लेट मोल्ड है। थ्री प्लेट मोल्ड में हम पिलर सेट जो है लंबा करते हैं पिलर और कैविटी साइड से देते हैं, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा मोल्ड अलाइन करना होता है लास्ट तक। ये देखिए इसमें थ्री प्लेट मोल्ड है, इसमें टॉप प्लेट से लेके और ये यहाँ तक स्पेसर तक पूरा इतना लंबा है। ये मैंने स्ट्रेट लिया, मैं इसको भी शोल्डर वाला बना सकता हूँ, कोई वो नहीं है, पर मैंने यहाँ पे ये स्ट्रेट लिया, शोल्डर नहीं दिया है यहाँ पे, क्योंकि इसमें अगर शोल्डर भी दूंगा तो मेरे को बहुत छोटा सा देना पड़ेगा, तो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और इसमें तीन बुश है, पहला बुश जो लगेगा वो ये जो हमारी रनर प्लेट है इसमें, दूसरा लगेगा कैविटी में और तीसरा लगेगा हमारा कोर में। ये हमारा टॉलरेंस चार्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टॉलरेंस चार्ट मैं शेयर करूंगा आपसे। यहाँ पे क्या देखना है हमारे को, इन्होंने दिया है डाया दस, तो ये डी, डी मतलब सिंगल डी, ये वाला डी, ये हमें माइनस में लेना है। ये इसका माइनस में है, ये साइज है, तो यानी 0.013 से लेके 0.022 को हम कंसीडर करेंगे, इसके बीच में देंगे टॉलरेंस। ये डिपेंड करता है कि हमारी लंबाई कितनी है पिलर की, तो इसके बीच में हमें रखना है। फिर दूसरा मेरा 12 का है,
12 में मैं क्या साइज रखूंगा, माइनस 0.16 से लेके 0.027, यानी इसके बीच में दे दूंगा मैं, मैक्सिमम ये है और मिनिमम ये है, यानी इतना तो 0.016 तो मुझे देना ही देना है, यानी देना ही देगा, कंपलसरी है, इससे कम में मैं नहीं दूंगा। उसके बाद का जो साइज है 16 है, 20 है, 25 है, अब मान लीजिए 26 रख रहे हैं हम, 26 भी अगर रखेंगे, 25 से 30 के बीच का है, तो 25 से 30 के बीच का आपको क्या करना है, जैसे 25 हो गया तो आप 0.020 ले लीजिए उसमें, अगर 26 हुआ तो 0.02 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, यानी माइनस 0.033 से लेके माइनस 0.020, यहाँ के बीच में जैसे हम 25 से 26, 27, 28, 29, 30, 30 से पहले पहले का जितना लेंगे टॉलरेंस, इसके हिसाब से रखेंगे हम, आगे भी यही है। अगला है ये D1, D1 हमारा क्या है, ये हमारा D1 है, ये G6 आएगा, यानी जो शाफ्ट में आएगा ना, शाफ्ट बेसिस टॉलरेंस आएगी इसके अंदर, वैसे दोनों ही शाफ्ट हैं, डाया 10, तो ये प्लस में आएगा, ये इतना प्लस हम रखेंगे इसको, प्लस 0.015 से लेके प्लस 0.06, इसमें भी हम इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि अगर हम डाया 10 का बना रहे हैं तो हम प्लस लेंगे 0.06, अगर हम 11 का ले रहे हैं तो हम इसमें बढ़ा देंगे, अगर 12 का ले रहे हैं तो नीचे वाली टॉलरेंस में हम आ जाएंगे, तो जो है प्लस 0.007 से लेकर प्लस 0.018 तक है। तो ये सारा चार्ट है आपका, यहाँ पे आगे जो दे रखा है वो कॉलर, यहाँ पे दिया हुआ है ना कॉलर, कॉलर आपको कितनी कितनी रखनी है इसकी, डाया की, जैसे 10 में आप 13 की कॉलर रखेंगे और उसकी हाइट रखेंगे 5, तो 13 से 17 तक आप 5 रख सकते हैं, फिर 20 से 25 तक आप 6 रखिए, फिर 30 से 35 तक आप 8 कर दीजिए, और 40 से 45 तक 10, सॉरी 45 10 रखेंगे, 56 पे रखेंगे 12, और 66 और 76 पे रखेंगे 15, जो इसकी कॉलर की हाइट है। अब आता है कि मोल्ड में कैसे डिफाइन करें कि लोकेशन पिलर बुश की क्या हो। वैसे तो ये एक इसका बेसिक फंडा है कि आप अपने जो आपका कंपोनेंट है, कंपोनेंट के हिसाब से तो आप इसको डिज़ाइन करेंगे, पर एक सबसे ज़्यादा जो यानी ध्यान रखना है हमारे को कि लोकेशन हम कहाँ दें। लोकेशन के लिए मैंने एक ये बनाया है कि हमने जब भी हम मोल्ड डिज़ाइन करें तो लोकेशन जो साइड की जो दीवार है उसमें पिलर बुश की दीवार, यानी लास्ट जो डाया है कोलर को छोड़ के, जो लास्ट डाया है, जो मैन डाया शोल्डर का डाया है, उसमें कम से कम 10 mm का गैप तो हो, 10 से 12 mm सफिशियंट होता है मोल्ड लाइफ के लिए, बहुत अच्छा होता है। तो आप इतना हमेशा जब भी डिज़ाइन करें आप 10 से 12 तक का डिस्टेंस रख लीजिए, आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, यानी ये कहीं भी किसी भी आप किसी भी टूल रूम के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं या कितने भी अच्छे टूल रूम के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर आप 10 से 12 के बीच में आप रखेंगे तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि भाई पिलर बुश का डिस्टेंस कितना रखना है मुझे, आप ये रख के चलिए, आपका मोल्ड ओके है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी मैं ऐसे यूज़फुल वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।